Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an I-fight. Fulfill your dreams and start making other people's dreams. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. देश की अखंडता के लिए उन्होंने बलिदान दिया, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा जो गरीबों के लिए, पिछड़े एक दलित आदिवासी विशेष रूप से, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बराबरी गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। इमरजेंसी लागू हुई लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम एक हफ्ते के अंदर जारी किया, जिसमें ये गरीबों के लिए उत्थान के लिए था। गरीबी हटाओ केवल नारा ही नहीं था बल्कि उनका आस्था का प्रश्न था, और हमेशा उसके लिए काम करते रहे। और उन्होंने हमेशा देश को अखंड है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमेशा सोचा। कांग्रेस का संकल्प क्या है आज? कोई संकल्प है, कोई बाधा है जनता से? संकल्प है इंदिरा जी के बताए हुए रास्ते पे चलो, संघर्ष करो, एक हो, संगठित हो के सरकार अपनी बनाओ, जो इलेक्शन आ गया है उसी को जिताओ। स्वर्गीय इंदिरा जी, जिन्होंने इस देश का, दुनिया का इतिहास ही नहीं बदला बल्कि भूगोल बदल कर बांग्लादेश का निर्माण किया, आज ये कृतज्ञ राष्ट्र उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था, जहाँ सारा राष्ट्र उनके उस स्वरूप को पूजा करता है जो दुर्गा का स्वरूप है, जो अन्नपूर्णा का स्वरूप है। कांग्रेस अपने सिंबल पर, अपने चुनाव चिन्ह पर ये सारे चुनाव लड़ रही है, और हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें कि वो इस चुनाव को लड़ें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म शताब्दी समारोह आज यहाँ सूर सदन प्रांगण में मनाया जा रहा है, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद राज अब्बर जी, और साथ ही राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया साहब खास करके ये इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही इसमें डॉक्टर संजय सिंह जी, प्रमोद तिवारी साहब और AICC के बहुत पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और बड़ा कार्यकर्ताओं में जोश है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे शहर से कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुट गया है, और इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाया गया है। एक 12 सदस्यीय टीम जो इस संचालन के लिए बनाई गई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। खास करके इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी जी की जन्म शताब्दी, उन्होंने देश के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं, और उनका योगदान तो अभूतपूर्व है। ऐसी महिला लेडी हिंदुस्तान के सरजमी पर कभी नहीं हुई, और उनके करे हुए योगदान को पूरा हिंदुस्तान आज भी याद करता है। अंतिम समय में भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित होगा, यही आज उनकी जीवनी गाथा का और उस सब का परिचय आज यहाँ पर लोगों को सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और हमारे अतिथिगण उसको यहाँ संबोधित कर उनकी जीवन गाथा के बारे में यहाँ पर अपने विचार रखेंगे। आज यहाँ पे सूर सदन में इंदिरा गांधी जी का 100 साल जन्मदिन के पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस यहाँ पे इकट्ठे हो के आना बड़े खुशी के माहौल में, उनकी जितनी भी अचीवमेंट है उनके ऊपर चर्चा होगी, कांग्रेसियों में जोश पहले भी था, आज भी और जोश भरा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है कि जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है बल्कि दुनिया के नक्शे में भी है ना हिंदुस्तान को चमकाया है, चाहे वो इंदिरा जी का टाइम ले लीजिए या राजीव जी का टाइम ले लीजिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इंदिरा जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है और अपनी कुर्बानी को दे करके उन्होंने जो मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, वो हम जनता के बीच में भी जाके कहेंगे। हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, इंदिरा जी ने जिस देश के लिए जो कुर्बानियाँ की है, इंदिरा जी के परिवार ने जो कुर्बानियाँ दी है, उस जन्मदिन को हम बड़ी धूमधाम से शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे सहयोगी उसको मनाने जा रहे हैं, और ये सूर सदन में रखा गया है प्रोग्राम। तमाम लोग जो है आज जो इंदिरा जी ने की शहादत हुई
और इंदिरा जी ने इस देश को बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, सांप्रदायिकता वो ख़त्म करने के लिए जो काम किए, सेकुलर देश बनाने के लिए काम किया, इंदिरा जी ने पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया और पाकिस्तान को वो मुँह तोड़ जवाब दिया कि 90,000 फौजी उनके गिरफ्तार करके हिंदुस्तान में लाए।